हेलो गाइस, माय बैक टू माय चैनल अलाना विद पॉप। कैसे आप सभी? आई होप आप सब के अच्छे हैं और हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट बाबू कर दिया है, तो अभी हम लोग सब नहा के रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं हम सिलाई करने। यहाँ आए हैं सिलाई करने के लिए, क्योंकि मेरा मशीन तो मेरे ससुराल में है और एक दीदी का घर में मशीन है। अब कपड़ा लेके आए। रुके 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 गाइस, आपको क्या पता है, मेरी मम्मी ना हर रोज ये देखिए, इसकी मम्मी रोज सिलाई करती है और मतलब रेडी है। इधर बेबी भी रेडी है, देखिए कितना खुश हो रही है, देखिए देख रहे कितना खुश हो रही है। सब नहा लिए है, मेरे बाल तो छोड़ो, हम सिलाई करने में से स्टिच का मेरा ब्लाउज है, स्टिच करना बाकी है। अभी मशीन नहीं है मायके में, और यहाँ दीदी यहाँ एक मशीन है जो कि अभी हम सीखने जा रहे हैं, लाए हैं कटिंग करके। ए ना बेबी, तो अभी कटिंग करके लाए हैं। और पता है अभी तीन ब्लाउज और खरीदे हम लोग तीनों अपने लिए, तो उसको भी फिटिंग करना। तो यहाँ आया था मास्क, ब्लाउज लाया था और हम लोग ब्लाउज ले लिए। ऐसे हम लोग खुद ब्लाउज बनाते हैं, फिर भी रेडीमेड ब्लाउज ले रहे हैं। दिखाते हैं, ये देखिए एक ब्लैक लिए है, ये अच्छा है, ब्लैक में है और किसी में चलेगा ब्लैक में। तो ये मम्मी ली है और दो हम लोग लिए हैं, दीदी गोल्डन में लिए है। ये देखिए, ये एक हम लिए हैं गोल्डन में और यही रंग का दीदी भी लिए। और अभी बारिश हो रहा है तो पूरा घर में ही कपड़ा डाल के रखे हैं, क्योंकि जगह है नहीं। ऊपर भी पूरा फूल है, इधर भी फूल है, पेन से सूखेगा, इसलिए बीच में डाल दिए हैं कपड़ा। तो देखिए पूरा बारिश होके भिंगा दिया कपड़ा, नहा के पूरा कपड़ा धोए तो पूरा घर में ही सूख रहा। और अभी हम ब्लाउज सिल रहे अपना, क्योंकि तीज का तीज में मेरा ये फर्स्ट तीज है ना, तो हम तीज यहीं पे करेंगे मायके में। तो ब्लाउज दे के आए हैं कटिंग करके, तो दीदी यहाँ सिल रहे, क्योंकि अभी हम ससुराल तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ मेरा मशीन है मायके में है नहीं, और दीदी यहाँ मशीन है, तो यहीं पे हम अभी सिल रहे ब्लाउज। और तीज में बहुत जरूरी है, और तीज में तो वैसे फर्स्ट तीज में ससुराल तरफ से साड़ी लगता है, तो ससुराल का तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं साड़ी, बट मम्मी खरीदी है तो उसी को स्टिच कर रहे हैं अभी। और दीदी का इतना खटारा मुंगली है ना मशीन, पूरा खट 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 आवाज दे रहा। सिला भी दे रहा, अभी सीधी रहता है, तो बारिश हुआ तो कपड़ा डालने आ गए ऊपर में। ये 100 रुपया में खरीदी है, 100 रुपया में एक और तीन 300 में खरीदे। अभी जा रहे हैं ब्लाउज लाए हैं तीज के लिए, स्टिच करना है, चलिए स्टिच करते हैं। कुछ नहीं छुए, देखिए इसको इधर 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 दिखा, तो तीज के लिए भी लाए हैं और एक कटिंग करके लाए हैं, अगर सी पाएंगे तो एक तीज का बहुत जरूरी है, वो सिलाई कर लेंगे उसके बाद ही जाएंगे दीदी घर से ही लेंगे, सी के ही लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए सिलाई कर लेते हैं, तो सिर्फ कटिंग करके लाए हैं, केवल स्टिच इतनी खरीदने गई है, मान गया। तो गाइस अभी सिलाई कर रहे, पता है इतना खटारा है, इतना ज्यादा आवाज दे रहा है, ये देखिए। ओ थोड़ी रात
इतना खटारा मौसी, खटारा मौसी, हिरण के भूत पत्थर कब से मारने लगे? ये लो मेरा शिकार। इधर बारिश हो रहा, देखिए पूरा बारिश हो रहा है, कपड़ा जितना भी डालने थे पूरा भीग गया। मम्मी कपड़ा लेके आई, यहाँ फूल है ऊपर नहीं है जगह, देखिए पूरा फूल हो गया जगह, लेके आई है देखिए। ये अभी सिल रहे हैं और एक ये ब्लाउज है दूसरा का दिखाते हैं। ये देखिए एक ब्लाउज दीदी को मिला है, ये बड़ा करने के साइज, पता है इतना बड़ा है फिर भी इतना हेवी हेवी शरीर है ना, देखिए देखिए इतना बड़ा है और फिर भी इसको बड़ा करना है यहाँ से काट के, ये ब्लाउज से यहाँ से काट के और फिर से यहाँ बगल में जोड़ के बड़ा करना, सोचिए इतना हेवी होने का क्या जरूरत है आदमी लोग को। हम ठीक है, बाप रे बाप, हैवी लोग रहता है यहाँ, सोचिए देख रहे सही में कितना बड़ा है ये, कितना का होगा बाप रे। इधर इधर देखिए दोनों साइड अच्छा है पर इतना हैवी कौन रहता है, जो ब्लाउज भी नहीं आ, ब्लाउज भी ना आई, कितना है। अब यहाँ कपड़ा जो यहाँ से कटिंग होगा यहाँ ये बाजू का, तो बाजू भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो बाजू के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, आदमी दे देता है ये लीजिए हमको बड़ा करके दीजिए, पर ये नहीं सोचता कपड़ा है ही नहीं, कपड़ा तो कहाँ से जोड़ेगी। अब देखेगी दीदी ही बनाएगी, इसका ब्लाउज का कपड़ा है नहीं। 5 minutes later. So guys, अभी हम ऊपर में हैं और अभी हम रेडी होके हम लोग जा रहे हैं घूमने उधर चट्टी तरफ, कुछ काम है इसी के लिए, बेबी लोगों को कुछ कुछ लेना है इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। बाबू वैसे स्कूल चला गया है और हम दीदी मम्मी बेबी जाएंगे अभी चट्टी तरफ। इधर तो कोई ऑटो वगैरह कुछ मिलता नहीं है, इधर से पैदल जाना पड़ेगा, उधर ही कुछ शॉपिंग करना है इसी के लिए अभी निकल रहे हैं। और अभी दीदी तो खाना बना रही है, हम रेडी हो गए हैं और तो फिर अभी जा रहे हैं, और बाबू स्कूल चला गया और हम मम्मी दीदी और बेबी जाएंगे। इधर ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, जैसे पैदल जाना पड़ेगा। चलिए जाते हैं, देखते हैं इधर का पूरा लोकेशन कैसा कैसा है, तो घूमे हैं बट देखते हैं इधर का लोकेशन। चलिए वीडियो आज ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।